वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इन सर्दियों में डाइट इन विंटर रेसिपी सीरीज लेकर आई हूँ। आज हमारे किचन में हम बनाएंगे विंटर स्पेशल मेथी वाले चावल। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, जिससे मेरी सभी रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जया की जायकेदार थाली के नाम से फॉलो कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप यूजुअल चावल लिए हैं, आप कोई भी चावल यूज कर सकते हैं, और ये 1/4 कप मेथी के दाने लिए हैं। मेथी वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती है और ये हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए सर्दियों में मेथी का उपयोग बहुत फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए मैंने मेथी दानों को रात में ही धोकर भिगो दिया था और चावल को भी धोकर आधे घंटे के लिए रख दिया है। इससे मेथी के चावल मुलायम बनते हैं और भीगे हुए मेथी दाने चावल के साथ अच्छी तरह से पक जाते हैं। ये रेसिपी सभी के लिए बहुत फायदेमंद है और इसे अच्छे से बनाने से मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। अब हम इस छन्नी की सहायता से मेथी के पानी को छान लेंगे और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसे हम बाद में यूज करेंगे। मैंने मेथी दानों को रात भर पानी में सोक किया था तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस पानी में मौजूद हैं। और अब हम फ्लेम की ओर चलते हैं। मैंने फ्लेम ऑन कर कुकर को गर्म होने को रख दिया है। अब कुकर गर्म हो गया है तो मैं इसमें 1 चम्मच होममेड देशी घी ऐड कर रही हूँ। और अब घी गर्म हो गया है तो मैं इसमें सोक मेथी दानों को ऐड कर रही हूँ और ऐड करके इसे लगभग 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर फ्राई करूंगी। मेथी को घी के साथ अच्छी तरह से भून लेने से मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। और अब मेथी फ्राई हो गई है तो मैं सोक्ड राइस यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। मैंने राइस ऐड कर दिया है और अब इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लगभग 2 मिनट फ्राई करेंगे। और अब मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने नमक ऐड कर दिया है, इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। हमें ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है, चावल के बराबर ही पानी हम यहाँ डालेंगे। और जो मेथी छानकर पानी बचा था उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस पानी को हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है और अच्छे से मिक्स कर कुकर को ढक्कन लगा देंगे। इसे हमें 1 सीटी मीडियम फ्लेम पर दिलानी है और ये सीटी हो गई है, लेकिन कुकर को हम पूरी भाप निकल जाने के बाद ही खोलेंगे। और अब ये रेडी है तो मैं कुकर को खोल रही हूँ और खोलकर एक बार पूरे चावलों को चलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, एकदम परफेक्ट मेथी के चावल रेडी हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी हेल्दी होने के साथ साथ खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम मेथी के चावल खा रहे हैं। मेथी के सारे जो गुण होते हैं वो इस चावल में आ जाते हैं और मेथी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो इन सर्दियों में आप इसे जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में मुझे बताना न भूलें। साथ ही 1 लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। हम फिर मिलेंगे
नई रेसिपीज के साथ। फ्रेंड्स, आपको मेरी डाइट इन विंटर सीरीज की सारी रेसिपीज बहुत पसंद आएगी। सो गुड बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।